हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए, जो 9 नवंबर की न्यूज़ है। दैनिक भास्कर टाइम्स में ये न्यूज़ आई है, लिखा है सहारा टाउनशिप के लिए जुटाई नहीं जुटा सके जमीन, जमीन के लाइसेंस निरस्त। जी हाँ दोस्तों, ये सहारा की आज की बहुत बड़ी न्यूज़, सहारा टाउनशिप के लिए नहीं जुटा सके जमीन, लाइसेंस निरस्त। तो ऐसा लगता है दोस्तों, जैसे सहारा इंडिया की इस वक्त परेशानियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं, निवेशकों का पैसा जब जब लेकर कोई बैठा है तब तब ऐसी परेशानियां कुदरती निकल कर आ जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ लगता है कि सहारा निवेशकों की हाय इस वक्त सहारा कंपनी पर पड़ चुकी है, सहारा की उल्टी गिनती साल चालू हो चुकी है। पूरी खबर है, शासन की मंजूरी के बाद एलडीए का फैसला, लाई जा सकती है नई योजना। एनबीटी संवाददाता लखनऊ, करीब 14 साल बाद भी किसानों से जमीन खरीदने में सफल रहे सहारा इंडिया। कमर्शियल कॉरपोरेशन को दिया गया हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। शासन की मंजूरी के बाद एलडीए ने आदेश भी जारी कर दिया। अधिकारियों के अनुसार अब एलडीए अपनी योजना लॉन्च कर सकता है। सीजीसीटी के करीब स्थित जमीन को आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक 23 अगस्त 2018 को टाउनशिप की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। डेवलपर टाउनशिप के लिए 1% जमीन तक नहीं खरीदी थी। इसके बाद हाई पावर समिति पर फैसला छोड़े जाने के साथ ही टाउनशिप के भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। आखिरकार शासन ने लाइसेंस निरस्त कर दिया, दो बार में भी नहीं खरीदी गई जमीन। जी हाँ दोस्तों, आगे खबर है कि दो बार में दी गई 2052 एकड़ का लाइसेंस। एलडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक सहारा इंडिया को दो बार 2052 एकड़ के टाउनशिप बनाने का लाइसेंस दिया गया था। वर्ष 2005 में 1784 एकड़, फिर वर्ष 2016 में संशोधन करते हुए 2052 एकड़ का लाइसेंस दे दिया गया। पहली बार जारी लाइसेंस के अनुसार जमीन खरीद न होने के बावजूद क्षेत्रफल बढ़ाने का फैसला चौंकाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। आगे खबर है कि वर्ष 2017 में जारी हुआ नोटिस, एलडीए के हाईटेक एग्री इंटीग्रेटेड टाउनशिप सेल के तत्कालीन अधिकारी अभियंता आरडी वर्मा ने सहारा के 2017 में नोटिस जारी किया था। इसमें 180 दिनों के बाद भी डीपीआर न दिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। कोर्ट हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। कंपनी जब तक जमीन नहीं खरीद सकी थी, ऐसे में लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी खबर हमारे पास पूर्व एन सिंह उपाध्याय एलडीए की तरफ से आई है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसी लगती है? न्यूज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। में शेयर ज़रूर करें कि दोस्तों सहारा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।